नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कंप्यूटर में इंस्टाग्राम के जरिए कैसे कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के जरिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, आप कंप्यूटर के जरिए जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप विदाउट इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए हुए इंस्टाग्राम के ऊपर जो है पोस्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो रील भी पोस्ट कर पाएंगे, आप किसी भी तरीके का पोस्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहते हैं रील्स या फिर जो है रील्स तरीके का कोई भी वीडियोज़ या फिर स्टोरी अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो डायरेक्ट विदाउट एनी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए हुए नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैं आपको लास्ट में आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पर मैं आपको विदाउट सॉफ्टवेयर के जरिए बता रहा हूँ जिस पर आप जो है पोस्ट कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल तरीके का पोस्ट जो होता है ईमेल या फिर वीडियोज़, आप उसे यहाँ पर पोस्ट कर पाएंगे। पहले मैं आपको विदाउट सॉफ्टवेयर के जरिए बता देता हूँ, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर के जरिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। आप किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आ जाना है, जहाँ पर आप सर्च करते हैं वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा instagram.com। इस तरीके से आप जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने इंस्टाग्राम का वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। हमारा यूज़र नेम है itsmepankaj.2, मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर भी शो कर दे रहा हूँ। एंड जैसे आपके सामने इंस्टाग्राम ओपन होगा और आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देन आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके मेन पेज पर आ जाना है instagram.com के ऊपर। देन आपको राइट क्लिक करना है और नीचे में आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप इसे कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं, Ctrl+I प्रेस करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइट साइड में कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में आपको माउस का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बगल में आपको एक यहाँ पर टॉगल डिवाइस टूल बार इस तरीके से दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+M क्लिक करके। एंड देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सो होगा, तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपके सामने अगर नीचे में कुछ ऑप्शंस शो ना हो तो आपको अगेन यहाँ पर जो है इस इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर आना है। एंड देन आपको वहाँ पर जो टूल बार वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक किया था उस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको फिर से यहाँ पर रिफ़्रेश करना है। आप जैसे रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आपके सामने कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन शो होने लगेंगे, जैसे आपको एप्लीकेशन के अंदर शो होता है वैसे आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। देन आपको यहाँ पर जो है प्लस वाले पर क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पर जो है आपको अपलोड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट करने को बताया जाएगा, आप जिसे अपलोड करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर या फिर वीडियो को करना चाहते हैं उसे कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए एक पिक्चर को यहाँ पर क्लिक कर लिया। एंड देन आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन आप यहाँ पर जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के जरिए जैसा कुछ कुछ यहाँ पर फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अगर आप कुछ कैप्शन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन के जैसा। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पर लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन है एंड टैग पीपल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप शेयर पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पोस्ट जो है वो शेयर हो जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पर एक पोस्ट करके दिखा दिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आप हमारा पोस्ट जो है वो हो चुका है। नीचे में आपको योर पोस्ट वाज पोस्टेड इस तरीके से शो होगा, तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपके सामने पोस्ट करके दिखाया। एंड देख सकते हैं आप पोस्ट डिलीटेड यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आप पोस्ट कर देंगे आपका फ़ोन में भी यहाँ पर पोस्ट शो होने लगेगा। एंड इसी तरीके से आप जो है कंप्यूटर में विदाउट सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी पोस्ट को पोस्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आप चाहेंगे तो विदाउट सॉफ्टवेयर के जरिए रील्स अपलोड नहीं कर सकते हैं और स्टोरी भी अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्टोरी देखना चाहें तो आप वो आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी भी स्टोरी या फिर आप किसी और की भी स्टोरी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि आप जो है कैसे रील्स को अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना होगा, आप किसी भी इमुलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जरिए आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में रन कर पाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे और स्मार्टफोन के जैसा ही आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आप जो कर पाएंगे। तो आपको ब्राउज़र पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा
इमुलेटर फॉर पीसी। इस तरीके से आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कई सारे इमुलेटर सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिसके जरिए आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंप्यूटर में चला सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉक्स प्लेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आपको प्ले स्टोर दिखेगा, आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको अपना मेल आईडी लॉगिन करना है और प्ले स्टोर से आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे कि आप इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टाग्राम को यूज कर लेंगे, वहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे सारा कुछ। आई होप वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।